गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं अच्छी हूँ, लेकिन कमर दर्द कैसे का कैसा बहुत प्रॉब्लम है कमर दर्द को लेकर। बट यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि हम स्कूल चला गया है। अभी मैं ड्यूटी भी जा रही हूँ और आज हस्बैंड को साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि कमर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, अकेला जाने में डर लग रहा है। मुँह भी सूज गया है एकदम से। खड़े है वो गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, मैंने ही लेट कर दिया है। चलो अभी जाती हूँ और सारा दिन आप लोग मेरे साथ रहो। इस वक्त बहुत अच्छा लगता है मोटरसाइकिल पे ऐसे घूमने जाना, मतलब काम पे जा रहे हैं लेकिन घूमना भी तो हो रहा है ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रास्ते पे ज़्यादा गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, एकदम सुबह का टाइम है, 7 बजे है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और दोनों निकल पड़े हैं तो और भी अच्छा लग रहा है ना। अभी हम रुके हैं छतना में एक दुकान पर, यहीं पे जब जहाँ हम लेते थे पहले भी अंडे, आलू, हल्दी सब ख़त्म हो गया है स्कूल के लिए, तो स्कूल के बच्चों के खाने के लिए ले लेती हूँ। चलो अभी रास्ते पे है, हम जंगल के रास्ते पे आज मोटरसाइकिल पे और क्या, चलिए स्कूल पहुँच के बातें करती हूँ। ज़्यादा घना जंगल नहीं है लेकिन है जंगली, और इस बीच बहुत सारे गांव भी पड़ते हैं। और ये आदिवासी औरतें देखो, पानी की जो टंकी लगाई है सरकार की तरफ से, वहाँ पानी भरने जा रहे हैं। और ये बट का पेड़, मैं कभी कभी यहाँ रुकती हूँ, पानी पीती हूँ। आपने पहले भी देखा है मुझे यहाँ पे रुकते हुए, पानी पीते हुए, और आज धूप नहीं है तो और भी अच्छा लग रहा है। लग रहा है सचमुच हम घूमने आए हैं आज। मतलब यहाँ पोस्टिंग होने के बाद मैं अपने पहली बार अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, नहीं तो मैं खुद ही आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइकिल पे ये रास्ता मुझे जाना पड़ता है, जाने के वक्त 15 मिनट लगता है, आने के वक्त 20-25 मिनट लग जाते हैं। कोई बात नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा जॉब के लिए। अभी क्या करें बोलो, सामने पोस्टिंग नहीं मिली, मेरी किस्मत ख़राब है। और जिनको मतलब जिनका पावर है वो सामने पोस्टिंग ले लिया है, लेकिन अच्छा लगता है। ये देखो दीमक, सब दीमक है, ऊंचे ऊंचे दीमक के पहाड़ जैसे एकदम। और क्या, खजूर के पेड़, बहुत से पेड़ है। चलो देखो जी मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ये सब वही जानते हैं और करते हैं। केले का एक पेड़ है मेरे स्कूल के पास ही, वो सूख गया है, तो इसके बीच में एक सब्ज़ी मिलती है जो इस पेड़ को काट कर निकालना पड़ती है। थोड़ बोलते हैं हम, थोड़, वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हम तो पॉपी सीड डाल के खाते थे मायके में, मेरे बाबा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ये सब्ज़ी। एक दिन दो दिन बाद ही लाते थे, और मेरी माँ बैठ कर काट कर अच्छे से, बहुत टाइम लगता है काटने में, तो काट कर अच्छे से फिर पॉपी सीड डाल के बनाती थी, और हम बहुत चाव से खाते थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और ये मेरे हस्बैंड देखते ही लग पड़े, और मेरी जो स्टाफ है वो कहाँ से कटारी लेकर आई, फिर उन्होंने निकाला। देखो एक एक करके काट, धीरे धीरे परत को निकाल रहे हैं, परत के नीचे रहते हैं, बहुत सारे परत के नीचे वो सब्ज़ी मिलेगा, तो एक एक परत काट के निकाल रहे हैं। यही वही कर सकते ये सब, और कोई नहीं। एक दिन के लिए गए तो भी ये सब चालू, देखो इनका खाने के मामले में बहुत आगे है। सिर्फ खरीदो खाओ नहीं, ये कहाँ क्या मिलता है, क्या होता है, अगर कुछ दिख जाए यही चाहिए, ये सब करके जुगाड़ करना भी उनको आता है, सिर्फ खरीदना नहीं। और खाने के शौकीन हैं तो ये सब उनको आता है, लेकिन सब नहीं कर पाते, इनको शौक है ये सब करना, शौक बोलते हैं ना वो है। तो चलो अभी तक निकाल नहीं पाए, चल रहा है काम जारी है। ये देखो निकला, थोड़ा सा निकला, और क्या, अभी देखो अभी पूरा निकल गया। ये इसको पीस पीस कर हम घर ले जाएंगे, ये सफ़ेद वाला ये हिस्सा थोड़, क्योंकि पूरा इतना बड़ा ले जाना मुश्किल होगा मोटरसाइकिल पर, तो पीस पीस करेंगे फिर घर लेकर जाएंगे, फिर वही सब्जी बनाएंगे। मैं तो नहीं, वही काटेंगे, सब्जी बनाएंगे और मैं खाऊंगी और क्या। चलो घर चलते हैं, अभी टाइम हो गया, मेरे स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया।
अभी हम रास्ते में रुके हैं, मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा, खाने का टाइम निकल जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो रुक गए एक दुकान पर बीच में ही, और ये क्या खा रहे हैं देखो, चॉप मूढ़ी फेवरेट इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट। अच्छा लगा हमको ये पकौड़ी, अच्छा लगा चॉप जो बोलते हैं, पकौड़ी है आलू की पकौड़ी, हमने ऐसा नाम दिया हुआ है हम बंगालीज में, ये बहुत फेमस है चॉप मूढ़ी, मुरमुरे और ये पकौड़ा। और मैं तो दो रसगुल्ले लिया मेरे लिए खाने के लिए, अच्छा लग रहा था देखने में कि, और गांव साइड में ना रसगुल्ले बहुत अच्छा बनाते भी है, ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं डालते, टेस्टी होता है। और क्या, तो चलो ये खाकर फिर हम निकलेंगे घर के लिए। और क्या, अभी हम रुक गए हैं, रेल फाटक पड़ा हुआ है तो रुकना पड़ा, बहुत बुरा लगता है मुझे ये बात, रास्ते में आते समय ऐसे रुक जाओ धूप में गर्मी में, देखो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। चलो आते ही लंच की तैयारी शुरू, मेरे हस्बैंड जी ने कर दिया है, वो थोड़ जो लाए थे स्कूल से वो काट रहे हैं, और मुझे तो आता भी नहीं काटना, मैंने कभी काटा ही नहीं, माँ करती थी मायके में, और यहाँ तो मेरे हस्बैंड जी एक्सपर्ट है इन सब मामलों में, और मैं एकदम ही नहीं। और चिकन लाए हैं, मतलब हम दोनों मिलकर लाए, रास्ते में ही ले लिया था ताकि घर जाके जल्दी से खाना बना सके, तो आज भी चिकन बनेगा, दो दिन पहले, दो दिनों तक चिकन खाया, अभी आज भी, क्योंकि कुछ मिला नहीं, इतना लेट हो गए थे हम। और इधर ओल जिमिकंद जो बोला आप स्टीम हो रहा है, और वो थोर को भी स्टीम होने के लिए, बॉयल होने के लिए, स्टीम नहीं सब बॉयल होगा, रख दिया है। और ये चिकन मैरिनेट करके रख दिया है मैंने, सब वो ही बनाएंगे, मैंने सिर्फ मसाला रेडी करके और जो जितना हेल्प हो सके मैंने किया है। ये देखिए चिकन बन के तैयार एकदम, और ये जो थोर वो भी तैयार, अभी खाने की थाली सजा लेती हूँ। ये देखिए थाली भी सजा लिया है, ये मेरे हस्बैंड जी की थाली है, तो तीन सब्जी तीन बने हैं आज, तीन आइटम, चिकन जिमिकन और ये थोर की सब्जी, तो दे दिया। चलो रोज की तरह चाय बन रही है हमारे घर में, अदरक वाली चीनी डाल के लीकर चाय, और पीतम गया है बिस्किट लाने, बिस्किट खत्म हो गया है आज, और टीचर के लिए भी और हमारे घर के लिए भी दोनों बिस्किट लाने गया है प्रीतम। तो चलो चाय रेडी करके फिर मिलती हूँ आप जी। बिस्किट आ गया है, ये देखिए ये मेरी गोल्ड जो मैं खाती हूँ, घर में खाया जाता है क्या, देखो पानी फेंक दिया बोतल से, ढक्कन क्यों नहीं लगाते बोतल में। और ये मास्टर जी के लिए टॉप, देखिए बोतल में ढक्कन नहीं लगाया और पानी फेंक दिया, अभी इसको पोछना पड़ेगा, साहस कैसे हुआ साहस, एक रुपए के मैंने चौको खाने के लिए साहस की जरूरत होती है। बिस्किट बहुत ज्यादा नरम होते हैं, लेकिन टूटा हुआ बिस्किट तो मास्टर जी को भी नहीं दे सकती, क्या करे, क्यों खस्ता होता है ना तो ज्यादातर टूट जाते हैं, वही देख देख कर देना पड़ता है, तो अच्छे वाले होते हैं उनको मास्टर जी को देना पड़ता है, और बाकी हम घर में ही खा लेते हैं टूटा हुआ, बहुत ही धीरे धीरे रख रहे हैं। ये देखिए ज़्यादातर बिस्किट ऐसे होते हैं टूटा टूटा। चलो ये तो हो गया मास्टर जी का, अब ये मेरा जो बिस्किट है इसको ठीक कर डिब्बे में डालती हूँ। ये मास्टर जी के लिए चाय बनाई मैंने, दूध चाय दे देती हूँ पीतम, अभी आराम से डेढ़ दो घंटे पड़ेगा। मैं सबको देकर मैं बाहर आई थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए, और पीतम के पापा फोन देख रहे हैं, पीतम ट्यूशन टीचर के पास पढ़ रहा है, और सारे कपड़े अंदर कर दिया है मैंने, ये दो रह गए एकदम ही भीगे हुए हैं, थोड़ी देर रहने तो घर में जाऊंगी तब रख दूंगी। और क्या, अंधेरा हो ही चुका है लेकिन फिर भी सोचा थोड़ी देर टहल लेती हूँ, पीतम पढ़ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर टहलने से ना अच्छा फील अच्छा होता है, तो अंधेरा हो जाए भी कोई बात नहीं, ऐसी ज़्यादा अंधेरा हुआ नहीं, रात तो हुई नहीं ना, देखो रात मतलब अंधेरा थोड़ी हुई है, तो ये सफ़ेद फूल कैसे दिख रहा है, एकदम झकास झकास दिख रहा है ना।
और क्या, चलो एकदम ही इधर काला दिख रहा है। आप लोग सोचोगे कहाँ आ गई मैं बात करने आप लोगों से। तो जी मैं अंदर आ गई, बाहर मच्छर काट रहे थे और प्रीतम तो पढ़ रहा है, दिखाया आप लोगों को बाहर से, उनके पापा की बात हो गई है। तो आप सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। हाँ जी, हाँ ये देखो आ गया नया हेडफोन। ये कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूरी था, मुझे इसकी आदत है। उसके पापा ने दे दिया था उनका जो है वो ऐसे ऐसे वाला, दिखाया था आप लोगों को। तो मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, मुझे यही चाहिए, इसी की आदत है, मुझे यही चाहिए। तो आज दिला दिया है, सिंदूर नहाने के बाद लगाना भूल गई, भूल गई। गर्मी इतनी ज़्यादा, दो दिन से बारिश नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, रहा नहीं जा रहा है। क्या सिंदूर लगाना, क्या सजना धजना, चेहरे की हालत देखो। और क्या, तो चलो आज का वीडियो मेरे फ्रेंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा।